हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो, और जिसमें हम आपको बताने वाले हैं MI पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेशर। ये बहुत ही आपके काम की चीज़ होने वाली है, और आज हम आपको वीडियो में बताएंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं। और अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। जैसे कि ऊपर में एक बार आपको बता देता हूँ, इस टाइप का बॉक्स मिलता है, और ये है प्री सेट प्रेशर और स्मॉल एंड कन्वीनियंट एंड बिल्ट इन लिथियम बैटरी। तो ये इस तरह से मिली, और ये सारा इसका लेवल है, जो सारी चीज़ें यहाँ प्रिंटिंग है इसका, MRP और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। ये इसका सीरियल नंबर होता है, और अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो ये है एयर कंप्रेशर MI का। तो ये इसके साथ अपने को क्या क्या मिलता है आपको बता देते हैं। एयर कंप्रेशर है, ये यूज़र मैनुअल है, ये इसकी चार्जिंग केबल है, ये एक्स्ट्रा पिन है एयर निकालने के लिए, और ये एक्स्ट्रा पिन है एयर भरने के लिए। तो ये अलग अलग पिन्स होती हैं, भी जैसे आप इसको अपने कोई साइकिल में भर सकते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइप का होता है, और ये इसके चारों बटन लगे होते हैं, डिस्प्ले लगा होता है। ये इन एयर के लिए जगह बनी होती है ताकि एयर को खींच ले, और ये इस तरह से होता है, खींच के और उसको हवा दे सके। ये इसका चार्जिंग सॉकेट है, ये देखिए यहाँ पे ये चार्जिंग सॉकेट है, ये इसका इस तरह से। अभी हम आपको इसको ऑन करके दिखाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ऑन हो जाता है, इधर वाले इसको क्लिप को जैसे ही आप निकालते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और ये यहाँ पे प्लस और माइनस कर सकते हैं ईयर्स को, और ये इसके यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्कूटर, बाइक, कार और ये फुटबॉल, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये जो बटन है टॉर्च के लिए, अगर आप कहीं पर इसके टायर, गाड़ी के टायर पर या मोटरसाइकिल के टायर को आप एयर भरना चाह रहे हैं और वहाँ पर लाइट की कमी है, लाइट नहीं जा पा रही है, रोशनी कमी है, तो आप ये बटन को प्रेस करेंगे तो ये लाइट जो है इसकी ग्लो हो जाती है। तो इसी तरह आपको ये यहाँ से पहले सेट कर लेना है कि आपको ये किस में भरना है, स्कूटी में, या ये आपके बाइक में, ये आपकी कार में, और ये आपका जो है फुटबॉल में। तो ये आपको PSI जो है इसका वो सेट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये सिंपली आपको उसके अंदर आपके जो उसकी नोब होती है टायर की, जहाँ पे वो एयर भरी जाती है, तो उसमें लगा के ऐसे इसको कस देना है। अगर कोई ऐसा कोई आपके पास कुछ सिस्टम है जिसमें ये नहीं कसा जा रहा है, जिसके पिन अलग है, तो उसके लिए ये हो सकती है, और आप इसको यहाँ के इसके ऊपर आप इसको लगा के और इसको आप वो उसमें कर सकते हैं। तो आप ये इस तरह ये वाले फीचर्स हैं इसमें, इसको आपको प्ले करके भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे था ये। ये देखिए, तो जैसे हम इसको सेट करें, जैसे ही आपने वो सेट करके वहाँ पर लगाया और उसके बाद आपने इस बटन को प्रेस किया, तो ये जो है आपका जो ये इसमें एयर आपका उसमें जाने लगेगा। ये चार्जिंग की यहाँ पे लाइट है, ठीक है। तो इसमें बुकलेट में देखो आपको ये भी ऑन भी करके दिखाए थे कि कैसे कैसे है, ये इसमें सारा लिखा होता है, ये सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ये देखिए इसमें सारा दिया गया, हाउ टू यूज़, ये इंडिकेटर, ये सारा इसमें बताया गया है, कहाँ कौन से कलर में क्या होता है। देखिए ये आपको आपके अडेप्टर में लगाना है, जैसे आप इसको आप लगाने चाहेंगे चार्ज पे, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लगा के और अपने फ़ोन के अडेप्टर में आप लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास इस पिन का माइक्रो पिन का फ़ोन है तो आप डायरेक्ट इसमें आप लगा सकते हैं विदाउट एनी कोई अलग से इसको वायर। तो ये सारी ऑप्शन है इसके अंदर। तो ये देखिए ये सारे अलग अलग से इसके अंदर जो मैनुअल मिलेगी आप उसे रीड कर लें। तो आपको कैसी लगी वीडियो गाइज? तो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना हो तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।